एक मिनट रुक, हां तू बता पहले, बैरिकेड वहां पे है ना, इस पे देवा है तेरे को, मतलब वही टेनी दूर आ गया, पहले मेरी बात बोल दे, बोल दे, बोल दे, अरे बोल दे, बोल दे, बोल दे, ले जाओ, बहुत ही भाई वहां पे तो, हां ही भाई, बस वहां से ले जाओ, इतना बोला हमने, मन ने आपको इतना मीटर से पीछे हो जाओ, 100 मीटर तो पीछे कर, 100 मीटर में आप लोग, नहीं नहीं आप लोग वहां से ले जाओ, बस बोल दिया तेरे को मैंने, मैंने आपको बोल दिया, आप वहां से ले जाओ 100 मीटर पीछे, बस आपका कमर जी, आपकी ये देख लो, ऐसे तो थ्योरी है, सर स्टेज आगे एक साइड में कर रखी है आपने, एक साइड उधर राम इधर राम, कोई दिक्कत नहीं है, आपने एक साइड में कर रखी है, हम आपके, हम आपके दौड़ रहे हैं हमारे भाई, आप दौड़ रहे हैं, आप आगे को सामान लगाने का रोड की यह दिखाई नहीं दे रही, एक साइड में किसान अभी तक है नहीं, किसान रोड जाम करते वो दिखाई दे रहे हैं इनको, और यहाँ पे खुद प्रशासन ने रोड जाम कर रखे वो दिखाई नहीं दे रहे इनको, जबरदस्ती हो रही है, पे हो रही है, खुले में जेल है ये, खुले में जेल है, और इसको प्रशासन को समझना चाहिए, खुले में जेल हम कबूल नहीं करेंगे, ठीक है, ये खुले में जेल की कोशिश कर रहा है प्रशासन, आराम से प्यार प्रेम से किसान खड़े हैं, इनको भी धक्का मार मार के बाहर गिरा जा रहा है भाई, ऐसी सरकार से पांडा छुटाने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, बिल्कुल आराम से प्यार से किसान खड़े, उनको धक्का मार मार के गिरा जा रहा है, एच आर न्यूज देख रहे भाई सारे दर्शकों ने, विक्रम जांगड़ा की राम राम भाई, फिलहाल जो है भिवानी बॉर्डर पे खड़ा हूँ, बॉर्डर एक हूँ वाइस नेबर नून दिखाई भाई कैमरामैन, आप देख सको कि यो जो है दिल्ली जाने वाला रास्ता है जो कि पुलिस ने जो बैरिकेड लगा के बिल्कुल जाम कर दिया, बंद करा के, यानी कि एक साइड जो है खाली छोड़ रखी है, लागे उसने भी जो बंद कर दिया, शुरुआत में आपने देख लिया था कि प्रशासन जो है इन किसानों को वापस घर पे भेजने की बात करने लग रहा है, एक बार जानकारी ले ले वहां तभी भाई साहब, राम राम जी, राम राम जी, हां भैया जी, राम राम बहुत, हां जी ललित सिंह वासी हैं जी, हम देखो ये प्रशासन धक्के मार मार के किसानों को एक साइड में डाल रहा है, ये किसान आंदोलन नहीं करे, आराम से प्यार प्रेम से बैठे हैं, तो बैठने दो इनको, रोड जाम तो सरकार कर रखा है, सर सर हेलो सर नमस्कार, सर सिर्फ दो बात सर सर नमस्कार, ठीक है, एक बार ये बताओ जैसे यहाँ पे आराम शांति पूर्वक खड़े हैं ये, तो इसके बाद आपको भाई साहब डरा दिया होगा, नहीं मैं डरा दिया, नहीं कोई नहीं, मैं कौन डराया, ये मैं काम करा भाई, काम करा के तो है आराम से खड़े हो शांति पूर्वक भाई साहब, मैं किसी ने की मैं कंधे नहीं, यहाँ पे चुपचाप खड़े हैं जो पंजाब तब किसान भाई आओगे उनका स्वागत खतर खड़े हैं, मामने कोई बैरिकेड नहीं तोड़ना, कोई कुछ नहीं करना, उसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, उसके बावजूद भी शांति प्रिय खड़े होने के बावजूद भी प्रशासन हमें कह रहा है कि आप यहाँ से जाओ, इंतजाम कर देंगे, ठीक है, जबकि जाओ नेता की रैली आता रोड जाम हो जाए, जब कौन खुलवा दे, और एक साइड से प्रशासन ने जाम कर रखा है, किसान ने थोड़ा जाम कर रखा है, ले रहे हो बम बम ले रहे हो, तुम्हें कौन है बॉस का है, नहीं शांतिपूर्वक ले आंदो, जमा खाली हां और जमा खाली रहवांगे, हमारी मांग है होकर तो पूरी बैठी, क्या मांग है फिलहाल की, मांग तो भाई साहब हम तो एक दिल्ली जो हमारी आजकल मीटिंग होगी वह ऐसे बोल रही किसान यूनियन थी, जो रात चंडीगढ़ थी कृषि मंत्री मुंडा जी के साथ, 11 लंबित मांग थी, वो MSP पर समर्थन वैसे हम इतनी बनी, किसानों ने दिल्ली कुछ का ऐलान कर रखा है और हम उनके इंतजार में खड़े हैं, वो दिल्ली से ही आएंगे और उनको बैरिकेड पार कराएंगे और फिर उनके साथ दिल्ली जाएंगे, जो ये बैरिकेड लगा रखे हैं उनका साथ दोगे, खुला भाई बिल्कुल खुला, पहले इस भाइयों से इन महकमे से भी प्रार्थना है, दिल्ली तो कोई भी जा सकता है, दिल्ली कोई एक आदमी की थोड़ी होती है, क्या जरूरी थोड़ी दिल्ली झगड़ा करने जा रहे हैं, दिल्ली में तो कोई भी जा सकता है, ये भाई सब आंदोलन मार लग रहा है कि प्रशासन जो है हो सकता है कि कानून व्यवस्था जो है व्यवस्था भंग ना हो, इस चीज के लिए तो नहीं खड़ा, इसलिए तो नहीं रोक रहे आप लोगों को, प्रशासन अगर रोक रहा है, प्रशासन की जितनी मान रहे हैं ना, अच्छे ज्यादा मान रहे हैं, अगर ये मंत्री की कोई गाड़ी आ जाए उसके लिए सब कुछ जाम कर देते हैं, हम क्या पाकिस्तानी को बम ले रहे हैं या ब्लास्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो कीलर और बैरिकेड ट्रक अड़ा रखे इनने, किस लिए अड़ा रखे, इस साइड पाकिस्तान है कि इस साइड पाकिस्तानी, इससे को पूछने वाला हो, दिल्ली के लिए हम कोमर कट करने के लिए जा रहे हैं, दिल्ली जा रहा है, अगर नेता ही जा सकते हैं दिल्ली, नहीं किसान का अधिकार नहीं दिल्ली जाने का, देखो तो सब कहा दिल्ली जाने का, लेकिन फिलहाल का जो माहौल है, फिलहाल का जो माहौल है, अनाज खाना छोड़ दो, जिसने किसान आंदोलन से किसान के हकों से एलर्जी, वो अनाज खाना छोड़ दे, पीछे भी आंदोलन था उस टाइम पे, क्यों उठ गए थे भाई साहब, जब मोदी जी ने ये कहा था कि सारी मांग मानूंगा लिखित रूप में दूंगा, झूठा आश्वासन दे के उठा दिए थे,
कमेटी बैठाई थी उन्होंने, एक भी रिपोर्ट 37 बैठक होगी उनकी कमेटी की, लेकिन आज तक उन्हें एक रिपोर्ट पे ये नहीं कराया भाई हमने ये तरक्की आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। 37 बैठक हुई है। बात माया था तो प्रशासन जो आप लोगों को भेजने लग रहा था, घर भेजने लग रहा था या फिर सिर्फ रास्ते से? हमने तो पूछा प्रशासन गया यहाँ से अपने घर जाओ, प्रशासन से विनती करिए आप हमारी जगह चिन्हित कर दो, आप हम वहाँ बैठ जाएंगे। तो इन्होंने बोले ऐसे कोई बात नहीं, तो हमारी जगह चिन्हित कर दो, आप यहाँ बैठ के धरना देश को। तो प्रशासन से विनती की हमारी जगह चिन्हित कर दो, प्रशासन तो विनती हम बैठ के अपना कर लेंगे। आप बता रहे हो कि पंजाब से जो भाई आने लग रहे किसान भाई, उनने जो आप व्यापार करवाओगे उस टाइम पे प्रशासन, उस टाइम पे हाँ जी सर बात करो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है जब आओगे जब तू आ जाइए जब कुत्ते को मना नहीं करता मना कौन करेगा जी ठीक है जाओ नहीं हमारा खेत है घर है हमारे सारा चीज हम कद कह रहे ये आप पेपर लिखे था आश्वासन आया जी। चलो तू कुछ भी, तू कुछ भी मान ले, कुछ भी मान ले, नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, चलो हां कुछ भी मान ले तू कर दी भाई आगे नहीं आना। अरे यार कोई बात नहीं रूडी मुझे शब्द करते हैं। अरे अपन सर्दी बात कर सारे इकट्ठे एक बार बताओ सर प्यार से जाने लग रहे हो वहां पे बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कोई दबाव नहीं है अगर हम इन के ऊपर दबाव बना रहे हैं नहीं मैं भी तो ये भी हमारा भाई है तो मैं भी ताकता हुआ कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इनके साथ में बदतमीजी कर लेंगे जब ये तो फिर जाने लग रहे हैं फिर ऐसे नहीं आराम से हमारे बुजुर्ग आ रहे हैं हमारे साथ में वो हमको बिठा देंगे यो बुजुर्ग तेरा को मेरा भी है हां तो बता दी वहां आराम से हमें आगे ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कोई बात नहीं ये धक्का छेड़ने लग रहा प्रशासन नहीं आराम से अपने खड़े थे देखा तो वह फिलहाल आपने जो देखा है कि प्रशासन ने यानी कि फिलहाल के जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वे भी आए हैं और उनने जो किसानों को एक जगह दे दिया कि आप जो वहाँ पे बैठ के इंतजार कर सको हो लेकिन यहाँ पर रोड पे आप नहीं खड़े हो सकते। फिलहाल वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें भाई और जो किसान जो आंदोलन करने लग रहे हैं इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, फिर से मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।